अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू भरीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एग पकौड़ी की एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। तो बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में चाय के साथ गरम गरम पकौड़े तो लाजमी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम ये बेसन डालेंगे जो कि हम लेंगे 1 कप, और फिर इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड कर देंगे। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये अजवाइन भी हम इसमें 1/2 टीस्पून डाल देंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे ये नमक जो कि हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हसबे जायका हम इसमें ऐड कर देंगे, और 2 चुटकी जितना हम इसमें बेकिंग सोडा भी डाल देंगे। और फिर इसमें हम ये डालेंगे हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर देखिए ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ये है कसूरी मेथी जो कि हम 1 टीस्पून लेंगे, और इसे हम हाथों से इस तरह से क्रश करके इसमें डाल देंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबू देगा, लेकिन इसे ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो ऐड करें, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम इसमें ये 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल का भी शामिल कर देंगे। तो तेल ऐड करने से ये होगा जो पकौड़े हम इसके बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनेंगे, और इसकी क्रिस्पीनेस बढ़ाने के लिए आप इसमें चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन आप इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड कर दें, उससे भी पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनते हैं। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका गाढ़ा सा बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये बैटर हमारा रेडी है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो ना तो ये बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसी तरह का बैटर आपको तैयार करना है ताकि अंडे पर इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। तो ये बैटर हमारा रेडी है, तो अब हम क्या करेंगे, ये अंडे हम ले लेंगे। तो ये बॉईल किए हुए मैंने अंडे ले लिए हैं, इसको मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। आप चाहें तो अंडे को हाफ हाफ पीस में भी कट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से छोटे पीसों में भी कट कर सकते हैं आप इसे। तो ये एक पीस हम उठाएंगे अंडे का, और इसे हम इस तरह से बैटर में डीप करेंगे, इसे कोट कर लेंगे हम अच्छी तरह से, और फिर इसे हम गरम किए हुए ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम एक एक करके सारे अंडों को डालते जाएंगे ऑयल में, और फिर इसे हम गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। तो चलिए, हमारे जो पकोड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं, ये गोल्डन और क्रिस्प हो गए हैं, तो इसे हम निकाल लेते हैं ऑयल से। तो सारे पकोड़े हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, और इसे गरम गरम चाय के साथ टोमेटो केचप के साथ हम इसे सर्व करेंगे, या फिर आप इसे तीखी ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस रेसिपी को आप टी टाइम में बनाकर इंजॉय करें, और रेसिपी पसंद आने पर इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, फरीन को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।